सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आजम खान। और अभी तक अगर आप मेरे को जान गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं जानते तो भी जान जाओगे तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, आज हमारा जो शूट है वो है वरुण की वीडियो का LDR 4, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का 4th पार्ट जो आ रहा है। काफी दिनों से आपने वेट किया है उसका, तो अब वो आ रहा है और मैं भी हूँ उसमें। और गाइस, एक चीज में आपसे सजेशन, मतलब आप तो ये वीडियो बाद में ही देखोगे लेकिन फिर भी, वो मेरे को शादी के लिए, मतलब उसमें मैं जो हूँ, मैं दूल्हा बन रहा हूँ और मेरे को शादी के लिए कह रहा है कि भाई तुम ये वियर करो, और मैं ये वियर बिल्कुल नहीं करना चाह रहा, तो मैं उसके आने से पहले चेंज कर लेता हूँ और जो फिर मैं जो मैं पहनूंगा आप मेरे को बताना कि ये अच्छा लगता कमेंट में, या फिर जो मैं पहनूंगा वो अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी जो भी होगा, आज का शूट है क्योंकि इसने कल पूरा कर लिया था। कल मैं नहीं था शूट पे, कल थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी और एडिटिंग में भी था मैं, तो जैसा भी होगा आज का शूट है, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या क्या चल रहा है शूट में और हम मिलते हैं। लव यू गाइस। सो हे गाइस, ये देखो ये जो बंदा है ये मुझे जबरदस्ती ये पहना रहा है भाई, ठीक लग रहा है लोग। और मैं ये पहनना नहीं चाह रहा, मैं पहनूंगा अपने अपने पसंद की। मैंने आपको बताया था कि मैं पहनने जा रहा हूँ लेकिन ये बंदा बीच में आ गया और इसने मेरे से ये जबरदस्ती पहना रहा है, लेकिन मैं नहीं पहनूंगा और मैं पहनूंगा अपने मर्जी की, ठीक है गाइस। तो देख रहे मैं कैसा लगूंगा। अरे दूल्हा हूँ यार, कुछ तो अच्छा लगना चाहिए ना। तो मैंने अब ये पहन लिया और ये श्री से इसे भी मना कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं करना, एकदम ओके है। मैंने अब ये पहन लिया लेकिन ये इसे भी मना कर रहे हैं, लेकिन क्यों मना कर रहे हैं? I don't know. सेट आते ना वापस, यही सेट आ दो तो ये अच्छा लग रहा है भाई। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अरे इसने दोबारा मेरे को ये पहना दिया और देखो, और यही पहनेंगे ये, मतलब की हद है, हद है। और ये एक डी बॉट लगी हुई इससे, ये आंटी है हमारी माता श्री, और आप सब के लिए मैडम है। हद हो गई, मतलब भाई ये जबरदस्ती कराया जा रहा है और इसके पीछे ये रहा, ये वो बंदा है जिसकी वजह से मैं ये पहन रहा हूँ। और भाई कितनी सेक्सी है, मुझे लगा सूट पे आया भाई, कहाँ से आया भाई? जींस से। जींस, हाँ जी। इंटरव्यू चाहिए था जैसे, किस नाम से भाई? मैं बता दूंगा, मैंने देख। चलो आ जाओ विकास, कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में। किसे करूँ? किसे करना? उससे तो यार मैं तो यार, अगर हम 2 घंटे बाद आ रहे हैं, अगर तुम्हें पता है तो कैमरा क्वालिटी तो ऐसी अच्छी हो ना, ऐसे नहीं चलेगा फिर ना। और वैसे करते भी नहीं है, देखो टाइम भी नहीं होता। मेरे भी तो 2-3 वो आए, तो वो वैसे ही गए, मतलब प्रोफेशनली, मतलब थोड़े अच्छे लेवल पे। अगर तुम ऐसा करते हो तो कैमरा तो अच्छी भी आज के लिए मतलब कैसे टाइम भैया, इतना टाइम तो नहीं है। क्या किसी भी चीज़ इंटरव्यू लेना चाहते हो? भाई कभी और नहीं सकते भाई, कभी फिर कभी, फिर कभी आ जाना भाई। भाई हम तो 100% वापस आना, रोहिणी नहीं जाना है। और भाई धन दिल धन दिल धन दिन दिन ढल गया ना तो मेरे को शाम को जाना है भाई। हां तो जा, मेरे को पता है, अगर दिन ढल गया ना तो हमारा कुछ नहीं होगा। क्या आज आज बात है? 1 महीने बाद। हाँ, 1-2 दिन बाद देख लेंगे। हमारा जो है, मतलब यहाँ पे सेटअप पूरा ऑन है, सब कुछ ऑन हो चुका है। आप देखोगे मेरे पीछे, बस ये कोर्ट के रूम में आ चुके हैं और मैं आपको सबसे मिलवा भी देता हूँ, ऐसे मिलवाना पड़ेगा। तो ये है हमारे, कौन है आंटी जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं लीड हीरोइन की मम्मी हूँ, एक ही हीरोइन है, दादी है, दादी। और चुप रह माऊ, मैं दीप हूँ, दीप कौर। ये बहू है, बहू रानी है। तो गाइस, आज हम जो है, आज हम कौन है, होने वाले हस्बैंड एंड वाइफ रियल लाइफ में। रियल लाइफ में आज हमारी कोर्ट मैरिज होने वाली है
और ये देखो लड़की कैसे मतलब पूछ भी नहीं रही क्या ये बोल दिया तो ये क्या होता है तो आज एक दिन का शूट है लेकिन बहुत सारे लोग हैं और मजा लाना लेकिन मजा बहुत आने वाला है आज तो exactly. अभी एग्जैक्टली अभी यहाँ से हमें जाना दिल्ली से जाना हमें नजफगढ़ तो बहुत सारा ट्रैवलिंग है और मजा आने वाला है तो बने रहिए और ये वीडियो मिलेगी आपको बहुत लेट ना आज के शूट में मेरे खुद के मम्मी पापा आए हैं आज के पापा हैं ओके और पापा ये मेरी मम्मी है मम्मी आए बोलो ये मेरे बड़े गुरु हैं ये हमारे अमित शाह हैं अमित शाह और मैं भी तो कुछ हूँ हाँ आप भी तो हो कुछ कुछ तो और ये हमारी आंटी ऐश्वर्या राय और ये यही तो मेन कैरेक्टर है सुमन आंटी है ठीक है स्टार्ट करो अपने से तो गाइस हमने कोर्ट मैरिज कर ली है यहाँ पे और हमारी शादी हो चुकी है लेकिन हम इस शादी से पता नहीं क्यों खुश नहीं है ये वीडियो में पता लगेगा ये आपको वीडियो में पता लगेगा पता लगती क्या होगा देख जब हां इसकी वजह से ये मतलब आज अच्छा लग रहा है आज परफेक्ट लग रहा है इसकी वजह से आज हम खुश नहीं है अपने शादी से ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवतो जा मंगलम कुंडलिताशायो मंगलायो बनवारी अब नहीं दिखाऊंगा शादी का शूट चल रहा है यहाँ पे फोटो चल रही है फोटो सेशन ये भाई ये लड़का नहीं सुधरेगा शादी करके वहाँ देखो वैसे तो रियल लाइफ में चलो एक बार और तो गाइस वैसे तो रियल लाइफ में मैं शादी नहीं करने वाला लेकिन रियल लाइफ में मेरी पता नहीं कितनी शादी हो चुकी है ये आई डोंट नो ये शादी की फोटोग्राफ स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे और ये वरुण साहब पता नहीं किसके लिए फूल लेके घूम रहे हैं यहाँ पे कोई मिला नहीं अभी वाह सबसे प्यारा बच्चा है जी और अभी स्टार्ट हो चुके हैं इधर लाइव चल रहा है इधर और फोटो सेशन चल रहा है बहुत बढ़िया शानदार अब देखते हैं 1 2 3 एक्शन चल रही है चलो इसमें से चलते हैं चलो भाई मत करो यार क्या चल रही है यहाँ पे शादी के नाम पे शादी के नाम पे ये बंदा नौटंकी कर रहा है यहाँ पे मैं कुछ नौटंकी नहीं कर रहा ये रियल में शादी होने वाली है और रियल में मतलब रियल लाइफ में शादी होने वाली है ऐसा ही है मजे ले रहे हैं ये वो चीज है जो शूट के पीछे होती है एक्चुअली आपको दिखता है बहुत और देखो पैसे लुटाने के लिए भी आ गए बंदे चलो गाइस बाय बाय